Yes, good morning students. We are from Raisen Public School and today we are starting class 9 social science chapter number 1 man and environment. देखिए हमें जानते हैं कि मनुष्य का एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन जो है बहुत पुराना है, ये सदियों पुराना है. और यदि हम इसका एविडेंस देखें तो हमने बहुत जो महान पुस्तकें हैं जिनमें वेद आया करते हैं, वेद पुराण उपनिषद जो है, ठीक है, या फिर हम ऐसी बहुत सारी पुस्तकों के बारे में देखेंगे जहां पर नेचर को सर्वोपरि माना है और नेचर से इंसान का इंटरेक्शन जो है वो अभूतपूर्व माना गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उसको माना गया है. हम ये भी कह सकते हैं मैन का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब एनवायरमेंट जो है वो वेल बीइंग में रहे, एनवायरमेंट अच्छा रहे, तब तो मैन का एग्जिस्टेंस है. यदि एनवायरमेंट पॉल्यूट हो गया तो इंसानों का जो एग्जिस्टेंस है वो भी खतरे में आ सकता है. चलिए इस चीज को हम आगे देखते हैं. हाँ, यहाँ पर जो मेजर टॉपिक्स हमारे वो है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट ऑफ कल्चर, रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स, टाइप्स एंड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड चेंजेस इन लैंड यूजेस एंड इट्स इफेक्ट. ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, सिक्स टॉपिक्स इस चैप्टर में मेजर इंक्लूडेड किए गए हैं. चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं. देखिए हम सबसे पहले भी बात करते हैं वेदों में, तो एंशियंट टाइम से ही वेद जो है वो उनमें नेचर को सर्वोपरि माना गया है, उनमें नेचर के प्रति सम्मान रखा है, उसमें जो नेचर जो है उन्होंने नेचर में जो वेद है वेदों के अंदर प्रकृति को ईश्वर माना गया है. उसमें जो ऋचाएं लिखी गई हैं उसमें बताया गया है कि हमको नेचर के प्रति सम्मान रखना चाहिए. यदि नेचर इंसान का एग्जिस्टेंस तब है जब नेचर की प्रोबेबिलिटी रहेगी, नेचर की पॉसिबिलिटीज रहेगी तब है. और ये लिटरेचर में बहुत ज्यादा इसका गुणगान किया गया है. हाँ देखिए आगे क्या है यहाँ पर. यदि हम वेदों के साथ में पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में भी जो है नेचर की पूजा की जाती थी, है ना. बहुत सारी नदियां जो रही थी उनकी बहुत सारी स्तुतियां जो है वो वेद पुराणों में हमको मिला करती. इनमें गंगा, यमुना, सरस्वती और भी कई सारे ऐसे पेड़ वगैरह थे जिनकी पूजन वेद पुराणों में की गई है. इसके साथ में सन, मून, अर्थ, है ना, उनको उनको भी बहुत सम्मानीय स्थान मिला है. और अर्थ को जो है वो माता की तरह यहाँ पर पूजा जाता है. और ऐसा भी लिखा है कि हम उन सबके पुत्र हैं. मतलब हम एक तरह से देखें तो नेचर क्या है, एक लाइफ की तरह. हम यदि उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद में नेचर को लाइफ माना गया. और ऐसा माना जाता है कि हम यदि जो धूप जलाते हैं उसके फ्रेग्रेंस से एनवायरमेंट जो शुद्ध होता है. हाँ, और यदि हम आगे देखते हैं तो नेचर उपनिषद में ऐसा माना गया है कि जो अर्थ जो है वो एक सुपर नेचुरल बॉडी के रूप में है, हेवन जो है जो स्वर्ग है वो उसका ब्रेन है, जो सन और मून जो है वो उसकी आंखें हैं, और आसमान उसका दिमाग है, ठीक है. और इसके अलावा मीन्स हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमको पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए ताकि जो एनवायरमेंट है वो शुद्ध बना रहे, वो पॉल्यूट ना रहे. हाँ, हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ते हैं. देखिए यदि हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो हिंदुइज्म में इंद्र को गॉड ऑफ रेन कहा है. मतलब यहाँ पे हिंदुइज्म को एनवायरमेंट से जोड़ा गया है. यदि हम ऐसा भी देखते हैं कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी ये सभी को हम जोड़ते हैं तो ये यज्ञ में इनका आह्वान किया जाता है. और हम एनवायरमेंट को एज ए लिविंग मानते हैं और उनकी पूजन करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, ठीक है. तो ऐसा ताकि जो है नेचर जो फ्लोरिस हो सके, नेचर जो है अपनी जो है वो संपन्न हो सके, उसमें संपन्नता आ जाए. और इससे क्या होगा, इससे ह्यूमन जो है वो भी उनमें भी संपन्नता आई, उसको अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल कर सकते हैं. ऐसा है. आगे देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है रिचुअल्स यहाँ पर बताए गए हैं, है ना, हिंदुइज्म में जो होते हैं, ठीक है, कि
लोग यहाँ पर वर्शिप कर रहे हैं, प्लांट्स के साथ में एनवायरमेंट को मेंटेन यहाँ पर कर रहे हैं। कई तरह के ऐसे पौधे हैं जिनकी हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी हम पूजन किया करते हैं। यदि हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, तो जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी नेचर को गॉड माना है। इसमें यदि हम वर्ड्सवर्थ के दी पोयम्स की बात करते हैं, कीट की पोयम्स की बात करते हैं, शैली की पोयम की बात करते हैं, बहुत महान पोएट रहे हैं जिन्होंने नेचर में बहुत ज्यादा नेचर को सर्वोपरि मानकर इस तरह की कविताएं लिखी हैं, इस तरह के अपने लेख लिखे हैं जिनमें कि नेचर जो है उसको ईश्वर के रूप में माना गया। मतलब क्रिश्चियनिटी में भी नेचर को ईश्वर माना गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इस्लाम की, तो इस्लाम के जो धर्म है उसमें भी जो उनके जो वर्सेस कुछ लिखे गए हैं उसमें भी ऐसा कहा गया है कि हमको पौधों को और जंतुओं को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। यदि हम हजरत अबू बकरा के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि हमको फल देने वाले पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी एनिमल्स को दुख पहुंचाना चाहिए, उसको मारना चाहिए। यदि हम प्रॉफिट जो मोहम्मद पैगम्बर मोहम्मद की बात करते हैं तो उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाम ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने दिए थे, और मतलब उन्होंने भी पेड़ों से सम्मान करना लोगों को सिखाया था। हाँ, यदि हम बुद्धिज्म की, हाँ देखिए यहाँ पर एक अकबर का बिलीविंग साथी है। अकबर जो था एक ऐसा शासक रहा था जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था हिंदुइज्म से, ठीक, और दूसरे संप्रदायों से। तो एक दूसरा धर्म भी चलाना चाहते जिसका नाम था दीन ए इलाही, ठीक है। अकबर जो है वो हवन में, यज्ञ में, वेद में, सूर्य नमस्कार में वो विश्वास करता था, वो तुलसी और पीपल की पूजा भी वो किया करता था। हाँ देखिए आगे हम बात करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो भी दोनों ही ऐसे धर्म है जो कि हमको अहिंसा की बातें बताते हैं, और जो जो इनका जो एनलाइटमेंट हुआ था, भगवान बुद्ध का जो एनलाइटमेंट, उनको जो ईश्वर तत्व की जो प्राप्ति हुई थी वो उनको पीपल ट्री के नीचे बैठकर वो जो है उनको हुई थी, मिली थी। और जो जैन धर्म है वो तो किसी भी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी भी से भी वो बॉयलेंस के अगेंस्ट रहा करते हैं। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं हम कि जो नेचर है वो सभी धर्मों में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारे लिए जरूरी है। हाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अपने ध्यान मग्न में ध्यान में है, और उनको ईश्वर तत्व की प्राप्ति यहाँ पर हो चुकी है। हम यहाँ पर जो आपको बात बोल रहे थे कि जितने भी धर्म हैं वो सबके सब ये कहते हैं कि हमको नेचर का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हमें नेचर की पूजन करना चाहिए। नेचर वर्शिप एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों में बताया गया है कि नेचर जो है वो सभी धर्मों का तो एक साथ मिलाने वाला एक पार्ट है, वो सभी धर्मों को एक साथ करती है और सभी धर्मों में नेचर की पूजन की जाती है। हाँ हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर हैं, नेचुरल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। यदि हम नेचुरल और कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो जो एनवायरनमेंट है एक बहुत बड़ा टर्म है। एनवायरनमेंट को हम सिंपल नहीं ले सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम डेफिनेटिव टर्म्स में भी बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ऐसी चीजें जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमारे लिए दिखाई दे रही हैं, वो सभी एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड हैं। चाहे वो हमारे आसपास की चीजें हो, चाहे बहुत दूर दूर की चीजें हो। द लिटरल मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज एन दैट सराउंड सच एज एयर, हमारे आसपास क्या एयर है, वाटर है, फ्लोरा फौना है ना, मीन जितने प्लांट्स हैं, जितने एनिमल्स हैं, अर्थ, पूरी पूरी अर्थ जो है वो भी एनवायरनमेंट इंक्लूड है। सन को भी हमने एनवायरनमेंट इंक्लूड किया है, द मून को भी हमने एनवायरनमेंट इंक्लूड किया है, हमने स्टार्स को, स्काई को, स्काई में जितनी हमको जो चीजें दिखती हैं वो सब की सब हम एनवायरनमेंट इंक्लूड करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट एक छोटा सा टर्म नहीं है, बहुत ब्रॉड लेवल का है, ठीक है। हम इसमें किसको इंक्लूड कर सकते हैं, हम इसमें गैलेक्सीज को इंक्लूड कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स को इंक्लूड कर सकते हैं,
ऐसा यदि हम अपने ओवरव्यूज में देखें तो जितने ग्लेशियर्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, सिटीज को इंक्लूड कर सकते हैं, डैम्स को, रोड को, ठीक है, और मनुष्य द्वारा बनाई गई जितनी चीजें हैं उन सबको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखिए, हम ये टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एक एनवायरमेंट बेसिकली टू टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें कि जो नेचर का हो, जिस नेचर ने खुद ने बनाए हैं, बड़ी बड़ी घाटियां बना रखी हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े मैदान बना रखे हैं, फिर कुछ टापू वगैरह बने हुए हैं, कई अलग अलग तरह के क्या है, फ्लावर्स हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, कई तरह की नदियां हैं, कई तरह के एनिमल्स हैं, कई तरह की बर्ड्स हैं, रंग बिरंगी बर्ड्स वगैरह भी इस सभी नेचर ने बनाई है। तो एक ऐसा एनवायरमेंट जो कि नेचर ने बनाया है, मतलब हम इसको नेचुरल एनवायरमेंट भी कह सकते हैं। और दूसरा जो एनवायरमेंट है वो है इंसानों के द्वारा बनाया गया, उसको हम आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड एनवायरमेंट भी कह सकते हैं। अब उसको हम सोशल एनवायरमेंट भी कह सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए, जो सोशल एनवायरमेंट है, जो मैन मेड है, उसके एग्जाम्पल्स हैं सिटीज, हाउसेस, रोड्स, रेलवे, डैम्स, कई सारे। ओके, हम आगे देखते हैं, यहाँ पर उसके टाइप्स को हमने क्लरिफाई कर दिया है कि एक फिजिकल है, दूसरा जो है सोशियो कल्चरल है ना। फर्स्ट टाइप कौन सा है, फिजिकल और नेचुरल एनवायरमेंट, है ना। जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो दो तरह से है, एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है। यदि हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो सेकेंड टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सोशल में या समाज में जितनी चीजें इंसानों ने बनाई हैं, इसको हम मैन मेड एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि हाउसेज, रोड्स, डैम्स, फील्ड्स, एक्सेट्रा, कई सारी चीजें जो भी सब भी जितने भी इंसानों ने बनाए हैं। यदि हम इसको और भी देखें तो वर्चुअल भी हो सकता है। ये कैसा है, ये इसमें कि राइट्स, रिचुअल्स, है ना, धर्म संप्रदाय, सॉरी, फूड हैबिट्स, कई तरह के फेस्टिवल जो इंसानों ने बनाया है वो सभी सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारी बुक्स में भी इस चीज को बताने की कोशिश की गई है, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल एनवायरमेंट। ठीक है, नेचुरल एनवायरमेंट में हमने जो पढ़ा रखा है, वेजिटेशन, सॉइल, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल रिसोर्सेस, ये चीजें आ गई किसमें, जो नेचर ने बनाई है वो, ठीक है। और एलिमेंट जो का जो कल्चरल एनवायरमेंट जो इंसानों ने बनाया, जैसे कि भोजन हुए, कपड़े हुए, है ना, घर वगैरह, है ना, रहने के लिए ऑक्यूपेशन जो है, ठीक है, हमारे काम करने के रिलीजन्स, कई तरह के रिलीजन्स जो है वो सब इंसानों ने बनाए हैं, है ना, सोशल प्रैक्टिस वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह, सब की सब चीजें किस में जाएंगी, कल्चरल एनवायरमेंट में आ जाएंगी, है ना। हम यहाँ से आगे देखते हैं, अब जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये इंक्लूड करता है किसको, लोकेशन को, मीन्स जिस जगह है वो किसमें आएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट में, जियोग्राफी को, है ना, कोई कोई सी जगह किसी तरह की होती, कोई सी जगह किस तरह, कहीं पर नदी है, कहीं पर तालाब है, कहीं पर बहुत बड़ा ऊंचा सा पहाड़ है, कहीं पर हिमालय पर्वत भी है, कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और कहीं पर जो है मौसम बदला हुआ है, कहीं पर जो है दूसरे तरह का मौसम है ना, कहीं पर जो है वो ग्रेप्स उगा करते हैं जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, और कहीं पर गेहूं उगा करते हैं जैसे कि पंजाब है, ठीक है, कहीं पर जो है वो बहुत घने जंगल है, कहीं पर हमको बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, कहीं पर बड़ी सी वाटर बॉडीज है, जैसे ओशंस है, कहीं पर महासागर है, ठीक है, कहीं पर बड़े बड़े सीज है। तो ऐसी इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल जो भी नेचर ने बनाया है वो सभी नेचुरल एनवायरमेंट में इंक्लूड हुआ करता है। मैंस एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन दीज एलिमेंट्स। और यदि हम देखें, एक तरफ से हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मनुष्य का एग्जिस्टेंस भी तभी पॉसिबल है जब नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। यदि नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, यदि वो पॉल्यूट हो जाएगा, तो मनुष्य का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर सेकंड जो है हमारा, जिसको हम सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें कि नॉर्मली इंक्लूड ऐसी चीजें हैं जो इंसानों ने बनाई हैं। एग्जाम्पल, रोड्स किसने बनाए, इंसान ने बनाए, रेलवे किसने बनाई, इंसानों ने, एयर सर्विसेज किसने बनाई, एरोप्लेन्स किसने बनाई, इंसानों ने बनाई, मीन्स ऑफ इरिगेशन, अलग अलग तरह से पानी को देने के तरीके किसने बनाए, इंसानों ने, बड़े बड़े डैम्स किसने बनाए, इंसानों ने बनाए, जो भी चीजें इंसानों ने बनाई है वो सब की सब आती हैं सोशल और कल्चरल एनवायरमेंट में आया करती हैं। हाँ,
आगे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यूज भी है कि एनवायरमेंट हम मेजर व्यू में एक बहुत ऐसे ग्लांस हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनवायरमेंट मे बी ऑफ थ्री टाइप्स, फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल। जो फिजिकल जो है वो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर। जो बायोलॉजिकल इट इज डिवाइडेड इनटू फ्लोरा, फौना एंड माइक्रोब्स। जो कल्चरल वो सोशल, पॉलिटिकल एंड हाँ, तो इस तरह से ये डिवाइडेड रहा करता है। इकोनॉमिकल, थर्ड टाइप इज इकोनॉमिकल, है ना, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। इस अलग अलग तरह से एक छोटा सा व्यू यहाँ पर हमने बनाया है, तो ये हमको याद रखना है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, नेचुरल रिसोर्सेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टिबल भी हो सकते हैं और इनएग्जॉस्टिबल भी हो सकते हैं। जो एग्जॉस्टिबल वो यहाँ पर हमने बताए हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल में हम हमको क्या पता है, देखिए सोलर एनर्जी जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है, ठीक है। एयर जो है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में और भी कई सारे हैं, हम बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज, हम सबसे पहले उनको डेफिनेटिव टर्म्स पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स क्या होती है, व्हेन एनी फिजिकल थिंग और मैटर इज यूज फॉर अवेलेबल अवेलेबल टू मैन इज कॉल्ड रिसोर्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज, एक फिजिकल चीज जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। और वो रिसोर्स तब वैल्यूबल हो जाता है यदि हम उसका यूज करना चालू कर दें, तो वो रिसोर्स है। यदि हम उसका यूज नहीं कर पाए तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, ये हमको याद रखना है। और नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम, जिनका यूज हमको पता नहीं है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। यदि वो हमें उनके यूज पता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिसोर्स हो जाएंगे। सपोज ऐसा है कि एक नदी का पानी बह रहा है और उस पानी को आपको यूज करना आपके एग्रीकल्चर में नहीं आता है, तो वो आपका रिसोर्स नहीं है। और यदि उसी का उसी पानी का यूज करना आपको आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ये रिसोर्स की डेफिनेशन इस तरह से है कि यदि कोई ऐसी चीज, सपोज मिट्टी के अंदर से आपके आपके पास जो मिट्टी है और उस मिट्टी में बहुत सारा सोना है, ठीक है, लेकिन उस सोने को निकालना आपको नहीं आता है, तो वो आपका रिसोर्स नहीं होगा। और यदि आपको उस मिट्टी के अंदर से सोना निकालना आता है, मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ गोल्ड यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो जो मिट्टी है वो आपके लिए एक रिसोर्स की तरह काम करेगा। तो ये डेफिनेशन टर्म्स है किसका, रिसोर्स का। व्हेन एनी फिजिकल थिंग और मैटर इज यूजफुल और वैल्यूएबल टू मैन इज कॉल्ड रिसोर्स। मनुष्य के लिए कोई भी फिजिकल चीज है जो यूजफुल है, तो फिर हम उसको रिसोर्स कहते हैं। यहाँ से आगे देखिए, रिसोर्सेज जो है वो तीन तरह के हैं। पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, और तीसरे हैं मैन मेड रिसोर्सेज। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में ये रिनेबल हो सकते हैं, जिसको हम कि इनएग्जॉस्टिबल भी नाम दे रहे थे, दूसरे नॉन रिनेबल जिनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज नाम दे रहे थे। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनमें एयर है, एग्रीकल्चर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नॉन साइक्लिक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, साइक्लिक मेटालिक मिनरल्स, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बात करते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वर्किंग एफिशिएंसी है। यदि हम मैनमेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो उनमें बिल्डिंग्स आया करती हैं, रोड्स आते हैं, सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सभी इन रिसोर्सेज में आते हैं। थ्री मेजर टाइप्स, फिर उनमें उनके अंदर क्या क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो मेजर टू टाइप्स, कौन से, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, वो है फॉरेस्ट, पास्चर्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स, एयर, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, दोज रिसोर्सेज विच वंस एक्सप्लोइटेड कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड।
मतलब एक बार ये खत्म हो गए तो हम उनको दोबारा से फिर नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोलियम और कोल, है ना। और हम नॉर्मली आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है तो उसमें हमने गाड़ी को एक बार चला लिया तो फिर जो धुआं बन के निकल गया वो पेट्रोल हम फिर से दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इनको हम फिर से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा इस तरह से टू टाइप्स में नेचुरल रिसोर्स हुआ करते हैं। यदि हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो, यदि मनुष्य जो है वो एक रिसोर्स की तरह काम करने लगे तो उसको हम ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब ये है कि यदि हम इंसानों का यूज कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सी कंपनी जिसमें कई सारे इंसान भी काम कर रहे हैं, ह्यूमंस काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का यूज किया जा रहा है और ह्यूमंस तो सभी काम करते हैं, तो ह्यूमंस अपने आप में बहुत बड़े रिसोर्सेज रहे हैं। चाहे वो रिसोर्स जो है वो टू गिविंग ऑफ नॉलेज हो, एक लेबर की तरह काम कर रहे हो, या फिर एक टेक्निकल पर्सन हो, एक बहुत बड़ी सी मैंशन क्रिएट कर रहा हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हो, या वो कुछ भी कर रहा हो, तो वो सभी एज ए ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में आया करते हैं। ही इज द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेस। और मनुष्य जो है वो प्रोड्यूसर भी है और वो उस रिसोर्स का कंज्यूमर भी है। आगे हम बात करते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। तो मैन मेड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको कि इंसानों ने बनाया है। एग्जाम्पल मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स और भी कई सारी चीजें। आगे देखिए, हाँ, मैंने दूसरे अदर रिसोर्सेस की बात करते हैं तो अदर रिसोर्सेस में आते हैं लैंड रिसोर्सेस। मीन्स लैंड और जो भी रिसोर्स हैं, जो भी जमीन में है ना, जो रिसोर्सेज हैं वो सभी किस में आएंगे, लैंड रिसोर्सेज में आएंगे। जैसे कि हाउसिंग हुआ, रोड्स हुए, रेलवे हुए, ये अदर रिसोर्सेज में है। इन्हीं रिसोर्सेज को हम और दूसरे नाम क्या दे सकते हैं, इनको हम यहाँ पर मेजर जो मेन रिसोर्सेज हैं, मैन मेड रिसोर्सेज में कौन है, रोड्स है, तो ये अदर रिसोर्स लैंड रिसोर्स। रोड कहाँ पर बने हैं, रोड जो है वो लैंड पर बने, तो ये लैंड रिसोर्सेज में भी ये आया करेंगे, है ना। हाउस कहाँ बने हैं, क्योंकि मैन ने तो इंसानों ने तो बनाया है, लेकिन मैन मेड तो है ही, लेकिन ये कहाँ पर है, लैंड के ऊपर है, तो ये लैंड रिसोर्सेज में इंक्लूडेड रहेंगे। 29% ऑफ अर्थ इज लैंड मास एंड 70% इज कवर्ड विथ वाटर। मीन्स लैंड मास जो लैंड रिसोर्सेज जो 29% पर रहेंगे और 71% पर वाटर रिसोर्सेज रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो है वो अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, फंडामेंटल मीन्स ऑफ फार्मिंग, जितने भी फार्मिंग में यूज किए जाने वाले रिसोर्सेज होते हैं। भाई हम कभी खेती कर रहे हैं तो खेती करने में हम किसकी यूज करेंगे, हम हवा में खेती तो कर नहीं सकते हैं, तो खेती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जमीन की जरूरत होगी। तो जमीन कहाँ है, वो एक लैंड रिसोर्सेज है, ठीक है, और लैंड रिसोर्सेज, लेकिन वो एग्रीकल्चर को उपयोग की जा रही है तो वो एक एग्रीकल्चर रिसोर्स भी होगी, ठीक है। और सॉइल एक ऐसी सॉइल जिसमें विशेष प्रकार का की जो है गेहूं वगैरह है ना, जो अनाज प्रकार एक विशेष प्रकार की जो फसल उसमें उत्पादन की जाती है, इसलिए वो एक एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के रूप में भी काम करेगी, ठीक है। और वाटर भी उसमें काम करेगा, है ना, वाटर भी जरूरत होती है फार्मिंग के लिए, तो वहां पर ये एग्रीकल्चर की रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिवर, वैलीज, है ना, एलिवल सॉयल, है ना, तो जितने भी ये चीजें एग्रीकल्चर में यूज होंगी उन सभी चीजों को हम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के रूप में उसका नाम देंगे, ठीक ना। आगे देखिए, इस कई तरह के पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स है, कई तरह के मशीन है, जितनी भी चीजें हम एग्रीकल्चर में यूज कर, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो है ना वो बहुत बड़ी सी जो मशीनें होती हैं, हार्वेस्टर वगैरह जो है, वो सभी की सभी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में आया करते हैं। आगे हम बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। जो वाटर जो है वो भी एक रिसोर्स की तरह काम करता है, ठीक है। ये कहाँ पर, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ग्लेशियर्स में, वाटरफॉल्स में, ट्यूबवेल से भी ये यूज किया जाता है। हम किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन वाटर क्या है, एज ए
वाटर रिसोर्स करता है वो, उसको यूज है इरिगेशन मतलब सिंचाई करने में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में है ना इसका यूज हुआ करता है पानी का, ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई, पीने के लिए भी पानी आया करता है, नगर पालिका वगैरह भेजा करते हैं पानी को हर घर में। तो एक वाटर जो एक रिसोर्स की तरह काम करता है। लेकिन और भी क्या कहाँ काम आता है पानी, फिश फार्मिंग मतलब मछली पालन में भी पानी का काम हुआ, और वाटर ट्रांसपोर्ट में भी ये काम आया करता है। मतलब यदि आपको मुंबई से कहीं और दूसरी जगह जाना हो तो हम मुंबई से वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी मूव करके कहीं दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं, और किसी दूसरी प्लेस पर भी हम यहाँ से मुंबई से मूव करके जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक बोट के द्वारा हम यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट के लिए भी पानी काम आ जाता है। एंड मच वाटर इज वेस्टेड इन फ्यूल, एक चीज यहाँ पर बताई है कि जो बहुत सारा पानी जो है किसके रूप में, बाढ़ के रूप में वेस्ट हो जाता है, इससे बहुत सारे धन हानि धन भी हमारा और नुकसान भी हमको बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, और बहुत सारा हमने किया भी है, बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स बना लिए हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे हमने बहुत सारा प्लांटेशन भी किया है, बहुत सारे ऐसी चीजें ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए हैं जिससे कि पानी जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, है ना। डैम्स होगा तो सिंचाई कर पाएंगे हम लोग, है ना, एग्रीकल्चर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। तो वाटर का हम प्रॉपर तरीके से यूज हमको करना चाहिए। फ्रूट्स की कंडीशन के लिए हमें नए नए प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए, है ना। हाँ, आगे हम बात करते हैं सॉयल एज ए रिसोर्स। सॉयल किस तरह की रिसोर्स है, यदि वो अच्छी सॉयल है तो उसमें अच्छी फसल पैदावार होगी, है ना, अच्छे अच्छे हम उसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वो सॉयल जो है वो खराब सॉयल है, उसमें रॉकी सॉयल है ना, तो फिर वहां पर अच्छी फसल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अलग वहां पर जैसी जैसी सॉयल होगी वैसा ही वहां पर जो एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ठीक है, वैसा ही वहां का वेजिटेशन होगा। तो सॉयल एक बहुत अच्छे रिसोर्स की तरह काम किया करती है। हाँ, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल डिपेंड ऑन ऑल दीज, देन कई सारे इन चीजों पर ये डिपेंड करती है, स्लोप कैसा है लैंड में, वेजिटेशन कहाँ पर किस तरह से, बहुत सारी चीजें सॉयल रिसोर्स में काम आया करती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स की। जो फॉरेस्ट जो है लगभग पूरे इंडिया में 30% जो है, पूरे वर्ल्ड की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, इंडिया की पूरे वर्ल्ड की भी हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 30% जो है वो लैंड एरिया, कितना, 29% में से यदि हम उसको 100 मान लें तो 30% जो है वो क्या है, फॉरेस्ट है। 70% जो है वो अदर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो फॉरेस्ट है वो बहुत बड़े रिसोर्स की तरह काम करते हैं, वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें फॉरेस्ट जो है वो से मिला करती है जो कि हाईली वैल्यूएबल हुआ करती है। उनका जो काम है वो एक तो पहले तो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट काम है इसका फॉरेस्ट का, ठीक है। दूसरा काम क्या है उनका कि वो जो है सॉयल इरोजन को कम करते हैं, मिट्टी के क्षरण को रोक देते हैं, ठीक है, और वो क्या काम करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ को मतलब बड़े बड़े जंगली जानवर जो होते हैं वो फॉरेस्ट में आसानी से रह सकते हैं। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहा करती हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के जो है मेडिसिनल प्लांट जो है वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार की बीमारियों का भी को भी ठीक किया जा सकता है। देखिए, मनुष्य का जो इंट्रेक्शन था एनवायरमेंट के साथ बहुत ही गहरा रहा है, और हमारे ऐसे रिचुअल्स ऐसे रहे हैं, हमारे जो वेद पुराण हैं उन्होंने इस तरह से ऐसा लिखा था कि हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए, उसके साथ में प्रॉपर तरीके से रिलेशंस उसके साथ बहुत गहरे और प्रगाढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इंसान ने नेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना चालू कर दिया, उसका बहुत ज्यादा उपयोग चालू करना चाहिए, और उसको ऐसा लगने लगा कि अब हमको जो है हमें इनकी आवश्यकता जो है वो जो रिलेशन जो जो मेंटेन करना चाह रहा था इंसान वो उसने नहीं किया, और इस तरह से जो नदियां थी, जो बड़ी बड़ी जो
इंडस्ट्रीज थी उनसे उनसे निकलने वाला जो इन्फ्लुएंस था वो सब नदियों में मिलाना चालू कर दिया, उसने पॉल्यूशन को इतना इंक्रीज कर दिया कि सभी चीजें पॉल्यूट होने लगी। मतलब धीरे धीरे उसने एनवायरमेंट को खत्म करना चालू कर दिया, नेचर्स को पेड़ों को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। तो इस तरह से जो है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट जो था वो क्या, धीरे धीरे से एनवायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होता आगे चला गया। देखिए जो एनवायरमेंट जब था धीरे धीरे जैसे डेटरेट होता चला गया और उसके पीछे रीजन क्या थे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन होना, बहुत सारे तरह के नए नए चीजों का आते जाना, वो ये रीजन रहे हैं एनवायरमेंट के पॉल्यूशन होने के। और एनवायरमेंट से जो इंसान का बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होना जो उसके पीछे के रीजन रहा है। हाँ आगे देखिए, हमने नेचर को क्या किया है, हमने नेचर को के ऊपर अपना डोमिनेंट शो करने की कोशिश की है, जिससे नेचर जो है वो क्या होने लगा, डिस्टर्ब होने लगा उसमें कई सारी चीजें जो है। और हम ये जानते हैं कि यदि हमारा एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब तक कि नेचर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। आगे देखिए, हाँ हमने क्या किया है, एयर को, वाटर को, सॉयल को, हमने फूड को, सब चीजों को हमने पॉल्यूट कर दिया है, हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने वेजिटेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने कई सारी चीजों को जो है खत्म कर दिया, जिसके कारण जो है ड्रॉट्स वो बहुत बड़े बड़े सूखा पड़ जाता है कहीं पर, और कहीं पर बहुत ही ज्यादा भयानक बाढ़ आती है, कहीं पर लैंडस्लाइड्स होती हैं, क्योंकि वो पेड़ अब बचे ही नहीं है जो कि क्या करेंगे, जो कि उसको ऐसे पेड़ जो कि जमीन को पकड़ कर रखते हैं वो है ही नहीं, उनको हमने काट दिया है। तो बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स भी जो है हुआ करती हैं, और रीजन के पीछे इंसान ही है। फर्टाइल लैंड जो है वो उसको हमने बंजर भूमि में बदल दिया है, क्योंकि हमने पेड़ों को खत्म कर दिया, हमने एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया है। और उसके पीछे क्या है, हमने जो है नेचर का ध्यान नहीं रखा है, है ना। तो ये इसके पीछे कई सारे रीजंस रहे हैं। हम और आगे देखते हैं, इवन इंक्रीजिंग मींस ऑफ इरिगेशन, हमने इरिगेशन के तरीके बदल दिए, मॉडर्न फार्मिंग आ गई, ठीक है, कई सारी चीजें नई नई हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है इंसान ने जो नेचर का ओवर एक्सप्लोरेशन कर लिया और उसने अपने आप को सुपीरियर समझकर जो है नेचर को खत्म कर दिया है। इसके कारण हुआ ये है कि इम्बैलेंसिंग कंडीशंस हो गई हैं, ठीक है, मींस क्या हो गया है, जो वेजिटेशंस जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो गया है, और मैन जो है इस नेचर के साथ बैलेंस बनाने में फेल हो गया है, उसने नेचर के साथ प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाया है, इम्बैलेंसिंग कंडीशंस आ गई हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि नेचर का बैलेंस मेंटेन हो। हमें जानते हैं कि जो नेचर जो है वो तभी पॉसिबल है जब नेचर का बैलेंस तब पॉसिबल जब इंसान ह्यूमंस जो है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करे। यदि नेचर का बैलेंस यदि डिस्टर्ब होगा तो इंसान का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ सकता है। देखिए यहाँ पर हमने एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है किस तरह से ह्यूमंस का एनवायरमेंट से इंट्रैक्शन है। ये है हमारा नेचर, नेचर के अंदर एटमोसफेयर, जियोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और पूरा मिलाकर बायोस्फेयर, ये चीजें रहा करती हैं, ठीक है। अब ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं हम, तो सोशल सिस्टम्स में इंसान है बहुत सारे, उनके अंदर कई से टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, रिजाइम्स, एजुकेशन, रिस्क, इकोनॉमी, लॉ, एथिक्स, सेफ्टी, है ना, ये आर्टिफिशियल वगैरह, ये प्रोडक्शन और ये सभी जो है पूरी ह्यूमन सोसाइटी ये है। अब इसका जो है जो नेचर से उसका डायरेक्ट इंट्रैक्शन उसका है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवरऑल रिलेशनशिप जो एनवायरमेंट का ह्यूमन से, ह्यूमन सोसाइटी से रहा करता है, और तभी सस्टेनेबिलिटी बनी रहती, तभी एग्जिस्टेंस इंसान का बना रह सकता है। नेचर है तो ह्यूमंस है, नेचर नहीं तो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस भी बिल्कुल नहीं। देखिए अब हम यदि पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो पॉल्यूशन जो है वो एक्चुअल में है क्या,
एनवायरमेंट में अनवांटेड चेंज आ जाए, अनवांटेड नॉन एसेंशियल यदि कोई सब्सटेंस, कोई भी गैस, कोई भी वाटर में कोई चीज का मिल जाना, किसी भी जो एनवायरमेंट में किसी भी अनवांटेड चीज का मिल जाना जो है वो पॉल्यूशन कहलाता है. अनवांटेड चेंज ऑकरिंग इन द नेचुरल स्टेट एंड द बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. मतलब एनवायरमेंट में किसी भी अनवांटेड चीज का आ जाना एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आया हुआ करता है, इसको एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंक्लूड किया जाता है. अब भाई एनवायरमेंट में क्या चीज आ गई है जो कि क्या कैसी है जो कि हेल्थ के लिए डिस्ट्रक्ट कर सकती है, चाहे वो हेल्थ ह्यूमंस की हो चाहे वह किसी दूसरे एनिमल्स की हो. यदि सपोज हम ऐसा मान लें कहीं एक छोटा सा पॉन्ड है और उस पॉन्ड में हमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस सपोज ओकेजनली वो मिल गया है, ठीक है, या कहीं इन्फ्लुएंट आकर इंडस्ट्रियल वेस्ट आकर कहीं पर मिल गया किसी दीवार में जाकर, तो वो ऐसा सब्सटेंस जो कि फिश के द्वारा इनहेल कर लिया गया और फिश उससे मर गई, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, पॉल्यूटेंट कहलाएगा. द अनवांटेड एंड द हार्मफुल सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्सेस क्वांटिटी में आ गए हैं और वो हेल्थ के लिए हैजार्डस हैं, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. आगे देखिए, देखिए पॉल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स. पॉल्यूटेंट्स जो है कितने तरह के हैं, वो दो तरह के हैं. पॉल्यूटेंट्स नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं और वो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं. आप लोगों ने सारे टर्म सुना होगा, दैट इज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है. अब टेरर ऑफ बंगाल का जो रीजन है उसके पीछे एक हाइसिंथ नाम का प्लांट है जो कि क्या करता है, जो बहुत तेज विग्रस ग्रोथ करता है और वो विग्रस ग्रोथ के कारण क्या होता है, वहाँ वाटर के अंदर जो बंगाल के अंदर जो वे ऑफ बंगाल है वहाँ पर जो पानी है उसके अंदर वो विग्रस ग्रोथ करके डिजॉल्व ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक है. और डिजॉल्व ऑक्सीजन को खींचने के कारण वहाँ जितने एनिमल्स हैं वो उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है एक्वाटिक एनिमल्स को, और वो एनिमल्स वहाँ पर मर जाया करते हैं. गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी ऐसी स्कीम चला रही है जिससे कि ये चीज इसको खत्म किया जा सके, लेकिन ये प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत जल्दी से ग्रो करता है, जिसके कारण ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं. सो दैट इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं. ये एक तरह का नेचुरल पॉल्यूटेंट है, ठीक है. अब एक और चीज हम देखें तो कहीं पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है ना, जो कि नेचर में फैल रही है, तो वो भी एक तरह के हाई बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो भी एक नेचुरल पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करती है. अब हम बात करते हैं मैन मेड. मैन ने तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करे हैं जो कि जिनमें आया करते हैं पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, मेटल्स, लेड एंड वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स. ये सभी के सभी क्या हैं, मैन मेड पॉल्यूटेंट्स हैं. हाँ देखिए, यदि हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो यदि एयर में कई अनवांटेड कोई भी अनवांटेड जो है सब्सटेंस भी आता है तो उसको हम जिसके कारण जो कि हमारे लिए नॉन बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, उसको हम इस तरह के अनवांटेड कंटेंट का एयर में आ जाना एयर पॉल्यूशन कहलाता है. और हम ये जानते हैं हजारों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कंटिन्यू अपने एग्जॉस्ट को एनवायरनमेंट में क्या कर रही है, निकालती जा रही है, कंटिन्यू चल रात दिन वो चल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कई सारी और भी कई तरह की टॉक्सिक जो गैसेस हैं उनको बाहर निकालती जा रही हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है वो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है. अब इसके साथ में वो कैसी है, जो गैस जो है वो ऐसी गैस है जो कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है उसको भी इंक्रीज किया करती है. हाँ आगे देखिए, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने जो एग्जॉस्ट होते हैं जो बाहर से जो धुएं वगैरह निकालती हैं उस धुएं के साथ में सल्फर और नाइट्रोजन के कंटेंट को भी बाहर निकालती हैं. वो सल्फर गैस को भी बाहर निकालती हैं और नाइट्रोजन नाइट्राइड नाइट्रोजन कंटेंट कई तरह के सब्सटेंस को गैस
गैसेस सब्सटेंस वगैरह को निकालती है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इनको ये बाहर निकाला करती हैं। ठीक है, देखिए मीन्स ये जो गैसेस होती हैं ये ऐसी गैसेस हैं जो क्या करती हैं, जो कि एनवायरमेंट में मिलकर पानी जब वो ऊपर निकल जाती हैं तो ऊपर जाकर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ में रिएक्शन करके H2SO4 बनाती है। एक ऐसा ऐसा एसिड है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एसिड है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा जो है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड भी बाहर निकलती है, जो इंडस्ट्री से निकल कर बाहर जाती है, तो वो भी जाकर नाइट्रिक एसिड का फॉर्म करती है, और वो जो जो एसिड है वो हमारे लिए आँखों में जलन पैदा करता है, हमारे लिए जो है गले में हार्शनेस आ सकती है, उससे रेस्पिरेटरी और कई तरह की लंग डिसीजेज उससे आ जाया करती हैं, कई तरह की जो बिल्डिंग जो है जिसमें कि नॉर्मली ताजमहल इंक्लूडेड है वो भी उससे उसका जो कलर है येलोइश कलर इसलिए हो गया है क्योंकि वहाँ पर एसिड रेन जो दिल्ली की जो इंडस्ट्रीज जो थी उनके कारण ये ताजमहल जो उसका कलर कैसा हो गया है, येलोइश कलर का हो गया है। इसके साथ में यदि हम बात करते हैं, एक रीजन और भी है, वो है डेंजर ऑफ इंक्रीज इन द होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो है होल है वो भी इंक्रीज होने के रिस्क जो चांसेस वो है बहुत ज्यादा रहा करते हैं एयर पॉल्यूशन के कारण। मीन जितने ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है, और उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके पीछे एक गैस रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम उसका थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम एसिड रेन को यहाँ पर फोकस करते हैं। देखिए एसिड रेन स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, फैक्ट्री से गैसेस निकलती हैं, ये एटमोसफेयर जाके मिल जाती हैं और पानी की जो वेपर होती है उनसे ये रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये बना लेती हैं, और जब ये गिरती हैं तो जो जहाँ पर फसलों पर गिरती है तो फसलें खराब हो जाती हैं, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। ये जो सबसे पहला टर्म इसका एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसको इसको 1873 में इसको दिया था, और इंडिया में यदि हम देखें तो मुंबई और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को निकाला करती हैं, और एसिड रेन से जो है ग्रीनरी जो होती है, अर्थ की जो ग्रीनरी जो है वो खत्म होती है क्योंकि बरसात तो कहीं पे भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट जो हैं जो कि जिनके पास इम्यूनिटी नहीं होती है वो वहाँ पर खड़े नहीं हो पाते, वो भी मर जाया करते हैं, मतलब हजारों वेजिटेशन जो हैं वो भी इस एसिड रेन के कारण खत्म हो रही हैं। देखिए अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की क्या है। देखिए कि कंटिन्यू एटमोसफेयर में जब ये इस तरह के गैसेस कंटिन्यू निकलती रहे, ठीक है, जिसमें स्पेशली है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में निकलती है, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटिन्यू जो है निकलने के कारण एटमोसफेयर में जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर लेती है, एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो उसको ट्रैप करती है और एटमोसफेयर को वो गर्म कर देती है, जिससे पूरी अर्थ जो है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। एक और चीज रीजन इसके पीछे ये है कि स्प्लिटिंग रेट ऑफ CO2 जो है बहुत ज्यादा है, तो पूरे पूरे की पूरी अर्थ पर फैल जाती है और पूरी अर्थ को एक साथ वो गर्म कर देती है, जिसके कारण जो है ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा बहुत ज्यादा बड़ा बना हुआ है और वो बढ़ भी रहा है। और ऐसे चांसेस भी हैं कि जो आने वाले समय में कुछ समय में जो है जो ऐसे 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 जो जगह है जहाँ जो कि समुद्री किनारों पर जो जो सिटीज बसी हुई है वो डूब भी सकती हैं। आगे देखिए अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। तो जो वाटर पॉल्यूशन है इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि अपने एफ्लुएंट्स को कहाँ पानी में डायरेक्ट मिला देती हैं। हम ये जानते हैं कि पानी में भी कई तरह के यदि पॉल्यूटेंट्स मिल जाए तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर खत्म कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज से निकलने वाली जो हैवी मेटल्स होती हैं वो हैवी मेटल्स क्या करती हैं,
हैवी मेटल जो है उन एनिमल्स को तो मारती है, इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन, हमारे किडनीज को भी वो नुकसान पहुंचाया करती हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि नदियों का पानी पीते हैं, उनके लिए भी हार्मफुल रहा करते हैं, ठीक है। और इसके इसके साथ में वो हमारे अंदर भी उनका डिपोजिशन उन हैवी मेटल्स का हो सकता है, जो हमारी हेल्थ के लिए भी हजार्डस हो सकता है। कई तरह के एक्वाटिक फिशेज जो हैं वो सफोकेशन के कारण भी मर जाया करती हैं। हाँ, आगे देखिए, यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ सरफेस वाटर इज पॉल्यूटेड इन इंडिया। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो 90% ज्यादा जो पानी है इंडिया में पॉल्यूशन है। हालांकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रही है जिससे कि हम, है ना, आपने आप लोगों ने सुना भी होगा कि गंगा में बहुत सारी सफाई हो गई है, है ना। इसके अलावा गंगा, हुगली, दामोदर, गोमती, यमुना, गोदावरी, ये जो है बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के कारण आज ही बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हैं। अब हम बात करते हैं नॉइस पॉल्यूशन की। तो किसी भी तरह का अनवांटेड साउंड जो है वो यदि हमारे लिए आया करता तो उसको हम कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन। नॉर्मली जो है ये पॉल्यूशन जो है इसलिए हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है। इसके अलावा कई तरह की फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री जो बहुत सारा साउंड क्रिएट करते हैं, वो रेलवेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन्स, रेडियो स्पीकर्स, क्रैकर्स, ठीक है, बड़े बड़े बम धमाके वगैरह, है ना, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स कई तरह के, ये क्या है, ये सभी नॉइस पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इसके कारण इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसके प्रभाव जो है हमारे अंदर इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन आ सकता है, हमारा सर दर्द कंटिन्यू चल सकता है और हमारे हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है नॉइस पॉल्यूशन से। अब हम बात करते हैं सॉइल पॉल्यूशन। हम लगातार क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कंटिन्यू जो है हम फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें और उनका उपयोग करके क्या करें, अच्छी फसल हम उत्पादन कर सकें। कई तरह के पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते हैं जिससे सॉइल जो है वो उसका नेचुरल फ्लोरा जो है वो खत्म हो रहा है, नेचुरल उसके अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो मर जाया करते हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी पावर धीरे धीरे खत्म होती है। हमको हर साल फिर अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है अपनी फसल को अच्छी तरह उत्पादन करने के लिए। हाँ, हम आगे और देखते हैं, मीन्स सॉइल को हम खुद ही क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम। और आगे देखिए, नेक्स्ट जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। कई तरह के ऐसे नेचर से हमने सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है जो कि क्या करते हैं, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जिसमें स्पेशली आते हैं यूरेनियम, थोरियम, सीजियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट, स्ट्रोंथियम, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हुआ करते हैं। तो ये जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कॉज किया करते हैं और ये बहुत समय तक रहा करते हैं। इनके इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे हमारे लाइफ पर, ये जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है हमारे ह्यूमंस के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कर देते हैं, ये एनिमल सेल्स को मार डालते हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है स्पेशली इनमें है स्ट्रोंथियम, ये हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी जो है उसको खत्म कर देते हैं। हाँ, इसके अलावा ये देखिए जो रेडिएटिव सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हुआ करते हैं, हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्टली भी हम देखें तो हमारे फूड चेन में जाकर हमारे शरीर में बोन डिपॉजिट हो सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो बोन मैरो है, लिम्फोसाइट्स है, इम्यून पावर जो हमारी बॉडी का है वो भी ये खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये कई तरह की कैंसर्स को भी उत्पन्न करते हैं और इसके साथ में ये इनफर्टिलिटी मीन्स नपुंसकता भी ये हमारे लाइफ में ला सकते हैं, मतलब ये जो रेडिएटिव सब्सटेंस है बहुत ज़्यादा डेंजरस हुआ करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन एक ऐसा पॉल्यूशन होता है जिसमें कि गर्म पानी जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकल कर कहाँ पर नदियों में मिला दिया जाता है और उस पानी में साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, क्लोरोफ्लोकार्बन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है और भी कई तरह के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि गर्म होते हैं और वो जाकर पानी में जब मिलते हैं तो फिर जो फिशेज होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं वो उस टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग वो मूव
वो ढल नहीं पाती है उस एटमोसफेयर के अंदर, वो चेंज नहीं हो पाती है और वो मर जाया करते हैं, इसी को हम थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं। आगे देखिए, चेंज इन लैंड यूजेज एंड इट्स इफेक्ट, है ना, चेंज इन लैंड। अब हम और उसके प्रभाव की बात करते हैं कि क्या परिवर्तन आ गया इसमें लैंड में और उसके क्या प्रभाव आगे पड़ेगा। हाँ देखिए, इंसान ने क्या किया, अननेसेसरी यूज करे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिए नेचुरल एनवायरनमेंट में, रैपिड प्रोग्रेस वगैरह है ना, अर्बनाइजेशन आ गया मतलब शहरीकरण आ गया है, कई तरह के इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया, कई तरह के चेंजेस आ गए हैं जिससे कि बहुत ज्यादा नेचर में चेंज आ गया है। अब यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चरल फील्ड बढ़ गई है ना, और जो बड़े बड़े जंगल थे वो खत्म हो गए हैं, अर्बन पीपल्स जो है वो, शहरीकरण भी बढ़ा है जिससे क्या हो गया है, जिससे जो है नेचर जो है पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है, ओपन एरियाज खत्म होते चले गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब जंगल धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, नेचुरल जो है बैलेंस वो है धीरे धीरे खत्म होने लगा है। इसके अलावा जो है, हाँ, एनवायरमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने के कारण एनवायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आ गए हैं, नेचर का डिग्रेडेशन होने लगा है, कई तरह की फैक्ट्रीज बन गई हैं, कई और भी कई सारे ऐसे रीजंस रहे हैं जिस कारण नेचर जो एनवायरमेंट जो है वो डिस्ट्रक्ट होता चला गया है। अब यदि हम बात करते हैं डिग्रेडेशन के कारण, तो उसमें मेजर जो रीजन है उसमें पहला रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर इंसान के रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ी, तो उसने क्या किया, उसने दूसरे एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और उसने फिर नेचर को डिस्ट्रॉय कर खुद अपने रहने की जगह बना ली। इसके साथ में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बहुत हाई रहा, मेडिसिनल फैसिलिटीज मिलने के कारण लोगों का डेथ रेट जो है वो कम हो गया, और जो है डेथ रेट कम होने के कारण साथ में क्या है, अच्छी हेल्थ भी हो गई है, हेल्थ फैसिलिटीज मिल गई, तो फिर उन लोगों ने जो है उनकी उम्र भी बढ़ गई जिससे कि जो है बहुत समय तक लोग जीवन यापन करने लगे, उनका जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया जिसके कारण क्या हो गया है, जिसके कारण एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण जो है उनको प्रॉपर फूड भी मिलने लगा, मतलब उनकी सोशल लाइफ भी अच्छी हो गई। हाँ, मेंटल सोशल टेंशन जो है वो अब, लेकिन इसके कारण क्या हो गया, नेचर धीरे धीरे डिस्टर्ब होता गया, वो पॉल्यूट होता चला गया। हाँ, इसके अलावा और इंसानों ने क्या कर दिया, उसने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उसने पेड़ों को जंगलों को काटना चालू कर दिया, उसने एनवायरमेंट को कंटिन्यू डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया, जिसका प्रभाव आगे उसको और मिलने वाला है और मिल भी रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें डिफॉरेस्टेशन के अलावा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड्स जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण हो गई है, जंगलों में कई बार उसने आग लगा दी, या फिर यदि हम देखें यहाँ पर तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जो है उसमें अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी उसके एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कम होने का, क्योंकि पेड़ बहुत तेजी से कम होते चले गए, डेजर्ट जो है वो इंक्रीज होने लगे, मतलब अब रेगिस्तानी जमीन जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने की, जंगल खत्म हो रहे थे। हम इसके अलावा क्या किया, इंसानों ने एक्सेसिव ग्रेजिंग कर दी, ऐसे एनिमल्स जो कि घास वगैरह खाते हैं उनको बहुत ज्यादा फसल को जो जंगलों को वहां पर छोड़ दिया, ताकि उन्होंने जंगलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो ये भी उसके पीछे एक रीजन रहा है। और भी हम देखते हैं तो हार्मफुल एक्सपेरिमेंट इन एग्रीकल्चर, इंसान ने क्या किया कि जो हार्मफुल केमिकल्स थे उनका अपनी फसल में जो है एक्सेसिव यूज कर रहा, इसके कारण फसल के अंदर सेलिनेशन हो गया, मतलब एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, और इसके कारण वहाँ की जो फसल थी, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, उसके अंदर जो नेचुरल फ्लोरा था वो खत्म हो गया, ठीक है, तो ये भी उसके पीछे रीजन रहा है। अब आगे देखिए हम एक्सेसिव माइनिंग जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, उसमें माइनिंग भी इस तरह से जो माइनिंग है वो भी एनवायरनमेंट में, मतलब एयर पॉल्यूशन भी करती है कॉज, और साथ में वाटर पॉल्यूशन भी वो कॉज करती है, और नेचर को भी वो डिस्ट्रॉय करती है, तो बहुत सारा एरिया इसके कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है, लैंडस्लाइड्स भी हुआ करती हैं, ठीक है, सॉयल इरोजन भी इसके कारण एक रीजन रहा है।
आगे देखिए, एक्सेसिव माइनिंग जो है वो ये गंगा और यमुना की वैलीज में हुआ था, जो कि हिमालय रेंजेस में रहा करता है, जिसके बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव पड़े हुए हैं। हाँ, आगे देखिए हम अर्बनाइजेशन के उसमें एक कारण है कि शहरीकरण बढ़ा, तो लोगों ने जो है जो गांव के जो लोग थे वो पेड़ों को ध्यान रखते थे उनका, लेकिन लेकिन क्या शहरीकरण कारण बहुत सारे पेड़ जो थे जंगल जो थे काट दिए गए और वो वहां पर शहर डेवलप होते चले गए। इसमें इंक्लूडेड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्पेशली आया करते हैं, जहां पर कि 5 करोड़ पीपल जो है वो एक ही जगह रिसाइड करते हैं, और फिर उनको सबको सबकी सेंसिटिविटी को फुलफिल करने के लिए हमें ये सब चीजें करना पड़ती हैं। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, कई सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए भी जो है एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट होना पड़ा है। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना और एक्सटेंशन ऑफ स्लम्स का, छोटी छोटी घनी बस्तियों का बनने के कारण भी एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन पॉल्यूट होता चला गया है। और आगे देखिए यहाँ पर है ना, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कोलकाता के जो है ना, इन कोलकाता मेट्रोपोलिस ने ऑफ इंडिया ऑफ वाटर ऑफ द दामोदर एंड हुगली रिवर्स हैव बीन पॉइजन बाय द एफ्लुएंट ऑफ द हियर बाय स्टील फैक्ट्री, जहां पर स्टील फैक्ट्री थी, तो उस स्टील फैक्ट्री से एफ्लुएंट था वो जाकर कहाँ पर नदी में जाकर मिला, और वहां पर लोगों को जहरीला पानी पीने से कई सारे लोगों की मौत भी हो गई है। ठीक है, और जो है जूट एंड पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह भी वहां पर अपना डिस्टिलरीज वगैरह जो है अपने इफ्लुएंट्स को वहां पर मिलाया कर, जैसे कि नदियां जो है वो जहरीली होती चली गई हैं, और इसी तरह का कारण जो है गंगा, यमुना और चंबल रिवर्स भी इस तरह के इफ्लुएंट्स में भी मिला दिए जाते हैं, जिससे कि एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। हाँ, अब यदि हम बात करते हैं और भी रीजन जो उनमें आते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जो है, ठीक है, अबाउट 700 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में 700 डैम्स जो है वो बन चुके हैं। अब इन डैम्स के कारण भी कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो खत्म हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो है जगह जो है उन डैम्स के कारण बहुत सारी ऐसी जगह रही है जो कि जहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। देखिए जो टूरिज्म की जो फैसिलिटी रही थी वो भी एक रीजन रही है इसका एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन का। लोग वहां पर जाते हैं टूरिज्म करने के लिए जाते हैं और वहां पर बहुत सारा पॉल्यूशन करके चले आते हैं। हमें यहाँ पर जो है जहाँ पर माउंटेन रीजन्स में भी हम बात करते हैं तो परमानेंट पॉल्यूशन उसको उठाने वाला कोई हुआ नहीं होता नहीं है, और वहां पर पॉल्यूशन कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। ये भी उसके पीछे के रीजन रहे हैं, है ना। लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं और अमरनाथ की यात्रा में वहां पर बहुत सारी पॉलिथिन बैग्स, लेटर्स वगैरह वहां पर छोड़कर चले आते हैं, जिससे पॉल्यूशन जो वहां पर बढ़ता चला जा रहा है। देखिए वेदों और पुराणों में बहुत सारी चीजें इसके बारे में लिखी हुई हैं, लेकिन हमें उनको आत्मसात करना जरूरी, अभी तक हम नहीं करते थे ऐसा जरूरी है। मतलब हमको प्रॉपर नेचर का सम्मान करना चाहिए, उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अपने एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स कंप्लीटेड नाउ।